हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। यानी कि स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ कमियां थे, जो कि आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला डिफेक्ट था कि जो हाइड्रोजन की जो पोजिशन है एंड लेंथेनाइड की जो पोजिशन है एंड जो एक्टिनाइड की जो पोजिशन है, इन सभी ही, यानी कि हाइड्रोजन, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड की जो पोजीशन है, उसको लेकर के आर्ग्यूमेंट का पॉइंट जो है वो अभी भी बना हुआ है कि क्यों हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में, यानी कि पहले कॉलम में क्यों प्लेस किया गया है। वहीं पे बात करते हैं कि जो लेंथेनाइड और जो एक्टिनाइड की जो सीरीज है, जो कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, क्यों उन्हें मेन टेबल से हटा करके रखा गया है। तो ये इसको लेकर के अभी भी साइंटिस्ट के बीच में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट चलते हैं कि वो 100% जस्टिफाइड नहीं है। तो इसको लेकर भी ये डिफेक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर साइंटिस्ट अभी भी जस्टिफाइड, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं है। वो सोचते हैं कि इसके अलावा भी उनकी कोई पोजीशन और सेपरेटली बन सकती है। हालांकि इसके लिए कोई नई टेबल भी सामने नहीं आ पा रही है। साइंटिस्ट लोग इसका जरूर अपोज कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, पर इसके अलावा कोई नई पीरियड टेबल भी कोई साइंटिस्ट नहीं बना पा रहा है, इसलिए वो टेबल अभी भी चले आ रही है। लेकिन फिर भी एक मुद्दा है, एक आर्ग्यूमेंट का पॉइंट है कि इन्हें क्यों इस तरह से इन पोजिशन पे रखा गया है। वहीं पे हम बात करते हैं सेकेंड डिफेक्ट की, जहां बताया गया कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, फिर भी इनको अपार्ट, यानी कि दूर रखा गया, जैसे कि कॉपर हो गया, मर्करी हो गई, बेरियम हो गया, लीड हो गए। तो ये जो एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, बट फिर भी ये सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में, यानी कि एक ही कॉलम में नहीं आ रहे, तो ऐसा क्यों? तो कुछ साइंटिस्ट का अभी भी इस पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस टेबल में अभी भी कमी है। बट अगेन द सेम पॉइंट की नई टेबल क्योंकि सामने नहीं आ पा रही, इसलिए यही टेबल अभी लगातार चले जा रही है। बट अगेन, क्योंकि सारे साइंटिस्ट सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए इन्हें डिफेक्ट में काउंट किया जाता है। बट वैलिडली ये कोई देखा जाए तो डिफेक्ट नहीं है। ये डिफेक्ट तब माना जाएगा जब कोई नई टेबल इंट्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था डिफेक्ट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।